बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज आपके लिए दावतों में बनने वाली एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही ख़ास मौक़ों पर बनाने वाली डिश है। इसे कहते हैं चिकन मखनी हांडी। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। चिकन मखनी हांडी बनाने के लिए चिकन ली है मैंने 750 ग्राम, यानी कि आम जबान में इसको कहेंगे तकरीबन 3 पाव चिकन है ये, 1 किलो में 1 पाव कम। तो ये लेकर और इसको हमने मैरिनेट करना है। एक लार्ज साइज की प्याज लेके इसे ब्लांच करके मैंने पेस्ट बना लिया है। 2 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर टोमेटो पेस्ट, प्योरे नहीं जाएगी, पेस्ट जाएगा इसके अंदर। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, आधा चाय का चमचा गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चमचा हल्दी, 1 खाने का चमचा लेवल्ड धनिया पाउडर, 1 चाय का चमचा नमक, या आप इसको अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, 1 खाने का चमचा लेवल्ड लाल मिर्चों का पाउडर। मक्खन जाएगा इसके अंदर तकरीबन 3 आउंस यानी कि 3 टेबलस्पून। भुना कुटा ज़ीरा जाएगा इसके अंदर 1.5 टीस्पून। दही जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1/2 कप। हरा धनिया जाएगा इसके अंदर 1/4 कप। 1 इंच अदरक हम जूलियन काट के इस्तेमाल करेंगे और 3 से 4 हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर। क्रीम जाएगी तकरीबन 1/4 कप। तो सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है और मैरिनेट करके हमें तकरीबन 1/2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखना है। तो इसमें सबसे पहले चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही चला जाएगा इसमें लेमन जूस। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही। दो टेबलस्पून क्रीम के इस वक्त मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए लास्ट में भी डालूंगी। टोटल 3 टेबलस्पून क्रीम हम इसके अंदर यूज करेंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर तमाम मसाले ऐड कर रही हूँ सिवाय गरम मसाला के। तो इसे अच्छे तरीके से जैसे मिक्स कर लेते हैं। तो इसे मैंने मैरिनेट कर लिया है और अब मैं इसे 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। 5 बादाम, 5 काजू और 1 टीस्पून मेलन सीड्स लेके मैंने एक पेस्ट तैयार कर लिया है इन्हें भिगो के गर्म पानी में। तो ये एक तैयार हो गया है, इसमें से 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। 1/2 कप ऑयल ले लिया है मैंने, इसके अंदर मैं मक्खन डाल के और पिघला रही हूँ। तकरीबन मैंने इसमें 3 टेबलस्पून मक्खन डाला है यानी कि 3 आउंस। इसे पिघला लेते हैं अच्छे तरीके से और इसके अंदर सबसे पहले चला जाएगा ये पेस्ट। पेस्ट को मुझे इस तेल और मक्खन के अंदर अच्छे तरीके से इतना भूनना है कि तमाम पानी इसका खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से भुना हुआ हो जाए। तो इसे अच्छे तरीके से भून लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्याज अब भून गई है, अब इसके अंदर सबसे पहले मैं ये 2 टेबलस्पून भर के काजू का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। काजू और बादाम का पेस्ट डाल रही हूँ और साथ ही ये मैंने इसका जार धो के ये पानी भी इसके अंदर डाल दिया है। आंच को मीडियम करके अब हम इसे इसके अंदर इतना पका लेंगे कि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म करना है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी, तकरीबन ये 1/4 कप के करीब मैंने पानी और शामिल कर दिया है। और अब इसे हम इतना भून लेते हैं कि बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो जाए और ये तमाम पेस्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए। तो अब ये काजू और बादाम का पेस्ट भी अच्छी तरीके से भुन गया है और इसके अंदर ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये टोमेटो पेस्ट। और एक चीज़ जो मैं इसमें आपको दिखानी भूल गई थी, वो मुझे मैरिनेशन के अंदर चिकन में मिलानी थी लेकिन मैं भूल गई। तकरीबन 1/2 चाय का चमचा हम इसमें कुटी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, वो मैं अभी इसी वक्त इसमें डाल रही हूँ क्योंकि अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर दूंगी। तो टोमेटो पेस्ट इसके अंदर शामिल करके मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ
और तमाम का तमाम जो इसके अंदर मसाला था वो सब इसमें चला जाएगा। अच्छे तरीके से चिकन को मिक्स करते हैं और अब मैं इसे मीडियम टू लो के ऊपर करके इतनी देर पकाऊंगी कि इस चिकन में से तमाम इसका पानी रिलीज हो जाए और ये इसी पानी के अंदर गल जाए अच्छे तरीके से। तो अब चिकन जो है ये अपने ही पानी के अंदर गल गया है। अगर आपको लगता हो कि आपके पास जो चिकन है वो अपने ही पानी के अंदर नहीं गलेगा तो आप फिर बेशक इसके अंदर एक कप पानी का ऐड कर सकते हैं। अब इस वक्त चिकन बिल्कुल गला हुआ है तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऊपर से अदरक, लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें, ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला पाउडर और साथ ही चला जाएगा इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया। तो तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। इसे एक मिनट के लिए, दो मिनट के लिए मैं सिर्फ दम पे रख रही हूँ ताकि इन तमाम चीज़ों की खुशबू भी इसके अंदर खूब अच्छे तरीके से रच जाए और फिर उसके बाद मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो हमारी चिकन मखनी हांडी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही डिलीशियस थिक ग्रेवी वाली एक रेसिपी है जो आपकी दावतों में आपके दस्तरखान की शान बढ़ाने के लिए बनाई गई है। तो ट्राई कीजिए, यकीनन आपके घर वालों को, आपकी तमाम फैमिली को पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा मेरा एक फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिए, वहाँ आपको काफ़ी वेरियस रेसिपीज़ मिल जाएंगी। एक डेली मोशन चैनल है, उसको फॉलो कीजिए और अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस और अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करते रहिए ताकि मैं अपनी वीडियोस को दिन ब दिन इम्प्रूव करती रहूं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।